नमस्कार। इस रेसिपी वीडियो में हम घर पर गाठिया कैसे बनाएं बताएंगे। तो ये इसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप ये देखिए, ये गाठिया कितना क्रिस्पी और कितना खस्ता बना है। इसे आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। गाठिया बनाने के लिए एक हम बड़ा बाउल लेंगे। अब इसमें हम 2 कप बेसन डाल रहे हैं। 2 कप बेसन डालने के बाद हम इसमें 2 छोटे चम्मच चावल का आटा डाल रहे हैं या पिसा हुआ चावल डाल रहे हैं। अब हम इसमें 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन डाल रहे हैं। स्वाद अनुसार नमक डालें, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच काले मिर्च पाउडर डालकर सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें ये मिक्स पहले करना है। तेल और पानी डालने से पहले इन सभी सामग्रियों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हम इसमें 1/2 कप तेल या घी, जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं, वो डालेंगे। और इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप इसे अच्छी तरह से मिक्स नहीं करेंगे तो गाठिया अच्छा नहीं बनेगा। इसीलिए सबसे पहले पानी डालने से पहले आपको इन सामग्रियों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और जो इंस्ट्रक्शंस हम आपको दे रहे हैं वो फॉलो करने हैं। अब ये मिश्रण मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। हमने ज़्यादा पानी नहीं डालना है, आवश्यकता अनुसार पानी डालेंगे और इसका नरम आटा तैयार करेंगे। आटा इस तरह का बनाना है जो कि आपकी उंगलियों से चिपक रहा हो, जैसे कि हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये परफेक्ट डो होता है जो आटा उंगलियों से चिपकता है, यानी कि ये आटा तैयार हो चुका है। अब इस आटे को हम एक तरफ रखेंगे और एक कढ़ाई में तेल डालकर उसे गर्म कर लेंगे। ये देखिए, कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है और अब हम इसे गर्म करेंगे। जब तक तेल गर्म होता है, ये गाठिया मेकर मशीन बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, इसमें तेल लगाकर ग्रीस कर लेंगे और स्टार शेप वाला सांचा लेंगे। और अब इस गाठिया के मिक्सचर को हम एक सिलेंडर का आकार देंगे। और इस पे ढक्कन लगाकर इस मशीन को बंद कर देंगे। आप भी इस गाठिया को घर पर बनाएं। अब तेल गर्म हो चुका है, अब हम गाठिया बनाना शुरू करते जाएंगे मशीन से। आपको जिस भी आकार का बनाना है आप उस आकार में इस गाठिया को बना सकते हैं। हमने यहाँ गोल आकार में बनाया है और इसे हम कम आंच पर तलेंगे। बाकी के गाठिये भी हम तैयार कर लेते हैं और बड़े ध्यान से आपने डालना है, क्योंकि तेल गर्म होता है और मशीन से डालने में तेल आपके ऊपर भी खटक के आ सकता है। और गाठिये को थोड़ी थोड़ी देर बाद उलटते पलटते रहेंगे ताकि सभी तरफ से पक जाए और एक जैसी रंगत आए। इसे धीमी आंच पर ही तलें। ये तलने के दौरान जब गाठिया कच्चा था तभी हमने इसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया है। आप चाहें तो गोल गाठिया बना के उसे फ्राई होने के बाद जब वो ठंडा हो जाए तो तोड़ें। हमने फ्राई करते टाइम ही तोड़ दिया है। ये आप पर है कि आप इसे कब तोड़ना चाहेंगे। इसे उलटते पलटते रहेंगे। जब इस पर सुनहरी रंगत आ जाएगी तो इसका मतलब है कि गाठिया बनकर तैयार हो चुका है। तो ये देखिए, गाठिया सुनहरी रंगत का हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और आंच बंद कर देंगे। ये देखिए कितना क्रिस्पी गाठिया बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, आप इसकी आवाज़ सुनी है।
आप इस गाठिए को चाय के साथ परोसें या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल से सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। धन्यवाद।